दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप बहुत आसान धंधा है, अगर आप आराम से थोड़ा सा होमवर्क करें, अपने एरिया की स्टडी करें और ऐसी लोकेशन चूज करें कि जहां पर स्टेशनरी शॉप ना हो। स्टेशनरी जो प्रोडक्ट है आप समझ गए होंगे, आम यूज में बहुत यूज होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में, घर में, ऑफिसेज में, हर जगह पर यूज होता है। तो इस मतलब ऐसा प्रोडक्ट की यूज की तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपसे जितना भी मतलब सिर्फ आपको सबसे पहले लोकेशन चूज करनी है। कभी भी कोई नई दुकान खोलने चाहें तो लोकेशन सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस चीज है। आप एक ऐसा एरिया देखिए कि जहां पर पहले स्टेशनरी शॉप ना हो, अगर या फिर ऐसा एरिया हो जहां पर सारी स्टेशनरी शॉप हो, या जैसे कि भाई कह रहे हैं ना कि भाई एक मंडी सी टाइप हो, इस तरीके का एरिया ढूंढिए। और स्टेशनरी शॉप में कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल आपको रखना पड़ता है, जिसमें क्या है कि भी आप स्टेशनरी भी रख सकते हैं, एक्सेसरी भी रख सकते हैं। एक्सेसरी जो आजकल चाइना से इंपोर्ट हो रही है बहुत सारी है, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग और इन चीज़ों का सामान होता है, और बच्चों के यूज करने का प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट के सामान होते हैं। तो आप जो है मतलब इसमें कोई भी किसी किस्म का मतलब वो मत करिए, अपना होमवर्क करिए। जब भी मैं कोई काम आपको बताता हूँ आप मेरे कहने पर मत चलिए, अपनी स्टडी करिए और उसके अंदर खूब मतलब सबसे पहले बताया लोकेशन को चूज करिए। लोकेशन के बाद फिर उसमें मार्केट सर्वे कंडक्ट करिए कि जो एरिया में हम शॉप खोलने जा रहे हैं क्या एरिया में हमारी डिमांड काफ़ी है, उस एरिया में कितने स्कूल हैं, उस एरिया में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, उस एरिया में कोई ऐसी शॉप तो नहीं जो पहले बंद हुई हो, अगर बंद हुई तो उसका क्या रीज़न था, मैनेजमेंट रीज़न था या लैक ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस थी। अगर लैक ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस है तो ऐसे एरिया में शॉप मत खोलिए। उसके बाद मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल रखिए, जिसमें आप स्टेशनरी रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं। बुक्स में मार्जिन कम होता है लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर आप बुक्स रखेंगे तभी आपके पास बच्चे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बुक जो है वो स्कूलों में लगती हैं और हर बच्चा जो है प्राइवेट स्कूलों से नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो आपकी शॉप पर आएगा, जब आएगा तो स्टेशनरी भी खरीद के जाएगा, एक्सेसरी भी खरीद के जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पूरी जो है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल रखिए, जिससे कोई भी बच्चा वापस ना जाए। और सबसे बड़ी बात है इनमें पॉपुलरिटी, अगर आप बच्चों में पॉपुलर हो जाते हैं और एरिया में पॉपुलर हो जाते हैं तो आपका काम धीरे धीरे चलने लग पड़ता है और आपकी टर्नओवर भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। स्टेशनरी शॉप क्या है, ये पर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है, आपको जो है अपने पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे, उसी से आपका जो है काम बढ़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि मार्जिन कैपिटल, मतलब जो है हमारी कितनी हमारे को वर्किंग कैपिटल चाहिए इसके, और कितना मार्जिन हमें चाहिए पैसे का, इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ये समझ रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपये की टर्नओवर पर डे हमारे को चाहिए। 10,000 रुपये की टर्नओवर के लिए 15 दिन के हम जो है मार्जिन लेकर चल रहे हैं वर्किंग कैपिटल का, अर्थात हमें 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट इमीडिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि हम रेंटेड शॉप ले रहे हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट रिज्यूम करते हैं तो उसमें रेंटेड शॉप ले रहे हैं, तो रेंटेड शॉप का जो है वो इंटरेस्ट और रेंटेड शॉप दोनों मिला के लगभग 30,000 रुपये महीना हमें और चाहिए, और 20,000 रुपये जो है हम कॉन्टीजेंसी प्रोविजन कर रहे हैं। इस तरह से हमारी जो वर्किंग कैपिटल मार्जिन है वो 2 लाख रुपये के करीब आएगा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। जो हम शॉप लेंगे उसके अंदर अगर हम फर्नीचर और फिक्स्चर और अपनी सजावट कराएंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपये उस पर लग जाएगा। मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल हमने बता दिया 2 लाख रुपये है, तो इस तरीके से 3.5 और 50,000 रुपये जो है अदर फिक्स एसेट्स, जिसमें से इन्वर्टर हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें जो दुकानदारी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस तरीके से 4 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट से हम ये काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर। प्रॉफिट मार्जिन जो है जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं उन पर कम होता है, लेकिन जो प्राइवेट बुक्स होती हैं उन पर काफ़ी होता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेशनरी और एक्सेसरी, इन पर जो है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम जो है इसे कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि 10,000 रुपये रोज की हमारी जो है टर्नओवर हम अज्यूम कर रहे हैं शुरू में, तो जो है लगभग हमारी महीने की टर्नओवर 3 लाख रुपये हुई, और हम जो है प्रॉफिट अज्यूम करके चल रहे हैं कि 50,000 रुपये महीना आराम से 30,000 रुपये पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ पे मार्जिन ज़्यादा है और कुछ पे कम है। तो इस तरीके से मतलब 50,000 रुपया महीना हम कमा सकते हैं स्टेशनरी शॉप खोल के। और दोस्तों मैं आपसे नहीं मिल पाया काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको स्वावलंबी बनाने के लिए कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ आप उसमें रिसर्च और स्टडी करिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए,
मेरे चैनल को बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फैलाइए, वायरल कीजिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से मैं आपको एक एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना काम स्वयं करें, आप स्वावलंबी बने, इधर उधर बेकार न घूमें। हमारे देश में सबसे बड़ा इस वक्त अभिशाप है बेकारी, बेरोजगारी और बेकारी। मैं बेकारी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप एक बारी काम करके देखिए, आपको एक बारी स्वाद आ जाएगा तो आप इसी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पर जाइए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।